Now I'm talking to Manish and Nikhil. Let's know about their auditions experience. So who's going to talk first? Nikhil, go. मैम, इट वॉज वेरी ग्रेट एक्सपीरियंस फॉर मी. जब मैं यहाँ आया था उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा था मतलब कि नहीं हो पाएगा, बट जजेस ऐसे थे कि मैं रैंप देखता रहा और की उन्हें वो कम्फर्ट करते रहे, तो देखते देखते भी यहाँ कम्फर्टेबल हो जाओगे आप लोग जो आने वाले कैंडिडेट्स हैं. एंड जजेस वॉज ब्रिलियंट, ऑसम. एंड क्या कहें, बस आप आओ यहाँ पे, नो ऑडिशन. लेकिन तो आगे जीतोगे नहीं, मैं पहले बता रही हूँ. मैट्रिक इज गोइंग, ही इज जेन्युइनली सेइंग दैट. ओके, नो ऑडिशन फीस, नो ग्रूमिंग चार्जेस, सो यू कैन कम. ओके मनीष. ओके, जैसे मुझे ऑडिशन के बारे में पता लगा था तो सबसे पहले मेरे दिमाग में यही बात आई थी कि यार मैं जाऊँगा और वहाँ पे पैसे मांगे जाएंगे या फिर फर्स्ट राउंड क्लियर होने के बाद मुझसे मांगे जाएंगे या फिर कहीं ना कहीं तो मांगे जाएंगे. बट जैसे मैं यहाँ पे आया, मैंने ऑडिशन क्लियर कर राउंड क्लियर करा, तो मुझे जनरली बिलीव हो गया कि ये एक जेन्युइन शो है. तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि जजेस जो थे वो भी बहुत स्वीट थे और काफ़ी अपने फीडबैक शेयर कर रहे थे. जैसे अगर हम जो एक्सेप्ट जो सिलेक्ट भी हो रहे थे तो उनको फीडबैक तो मिल ही रहा था, लेकिन जो सिलेक्ट नहीं भी हो रहे थे उनको भी प्रॉपर फीडबैक दिया जा रहा था. तो बस मैं यही बोलना चाहूंगा, तो इट्स अ जेन्युइन शो, प्लीज कम एंड एक्सप्लोर दिस स्टेज प्लीज एंड कम्पीट विद देम.